अस्सलाम वालेकुम जी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली आई होप सब ठीक ठाक होंगे खुश होंगे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे तो आज मैं बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों के साथ ना ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूँगी जिसे आप टी टाइम के साथ बना सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में अगर देना हो ना तब भी बेहतरीन आइडिया है बड़े ही ज़बरदस्त बड़े ही क्रिस्पी किस्म के ये पराठे बनकर तैयार होते हैं जिसे हम सिर्फ एक अंडे के साथ बनाएंगे और बहुत सारे बन जाते हैं खाने में बेानतहा मज़े हैं जायका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है तो चलें फिर आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं देख लेते हैं कि ज़बरदस्त से पराठे जो हैं वो कैसे बनेंगे बनाना बेहद आसान है, है। किचन में मौजूद चीज़ों के साथ बनाएंगे और बिसम्ला करते हैं रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट बिसमिल्लर रहीम तो एक प्रात के अंदर मैंने एक कप भर के ना मैदा लिया है वज़न में देखें दो सौ चालीस ग्राम होगा तो इसके अंदर डाल देंगे एक खाने का चम्मच शुगर साथ ही शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून नमक और डाल देंगे इसके अंदर एक खाने का चम्मच बरके ऑयल अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेना है इकट्ठे कर लेना है ताकि एक मुइंसा जो है वो बन जाए अच्छा शुगर जो है इसे पराठे मीठे नहीं होंगे टेंशन नहीं लेनी इसे फ्लेवर ज़ायका निकल के आएगा तो दूध मैंने तकरीबन पौना कप लिया है मैं इसके अंदर शामिल करती जाऊंगी और इसकी एक सॉफ्ट सी डो जो है वो बना लूँगी उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके अंदर कितना दूध जो है वो क्या है इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ना हमने इसके इकट्ठे करते जाना है और सॉफ्ट से एक डो बना लेनी है हार्ड डो नहीं बनानी सॉफ्ट बनानी है ताकि आप लोगों के पराठे क्रिस्पी भी बने सॉफ्ट भी बने तो ये मैंने डो बना ली है थोड़ा सा ऑयल लगा के ऊपर हमने इस तरह से इसे छोड़ देना है तकरीबन दस से पंद्रह मिनट के लिए रेस्ट के लिए उसके बाद हमने इसके जो है वो पराठे बनाने तो दूध जो इसके अंदर गया है वो तकरीबन मैंने पौना कप लिया था तो आधा कप दूध जो है तकरीबन इसके अंदर गया है एक दो तो चम्मच ऊपर नीचे हो सकता है समटाइम मैदा जो है थोड़ा ज्यादा हो जाता है या फिर मोटा ब्रिक हो हो सकता है उसका कोई इश्यू नहीं है तो इसे मैंने एक साइड पे कर दिया आप दो तो अंडे मैंने बॉईल लिए हैं इसको हमने श्रेडिड कर लेना है या फिर फोक के साथ कर लें या मेरी तरह कद्दूकस से कर लें बॉईल अंडों के साथ ये जो है वो रेसिपी बनती है तो अंडे जो है हमने जो है वो श्रेडिड कर लिए हैं अब इसके अंदर स्पाइस डाल देंगे हाफ़ टी स्पून डाल देंगे नमक साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा मोटा सा कुटा हुआ है हाफ खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है हरा धनिया डाल देंगे थोड़ी सी जो है इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा हमने चाट मसाला जो है वो शामिल कर देना है वो शायद स्किप हो गया अंदर से थोड़ा सा मैंने शामिल किया था दो खाने के चम्मच ऑयल डाल के हमने इसे जो है मिक्स करके तो एक साइड पे रख देना है ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की स्टफिंग जो है बनकर रेडी है अब दो खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है इसके अंदर एक खाने के चम्मच भर के मैंने ऑयल का डाला है और अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है इसकी एक रनी सी इस तरह से ना ये देखिए लईसी हो गई है तो इसे भी एक साइड पे करते हैं अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो डो मैंने बना के रखी थी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और बड़ी एक लचक सी इसके अंदर आ गई है अब इसके हम पराठे बना लेते हैं सबसे पहले हमने इसके जो है पोर्शन कर लेने हैं छोटे छोटे पेड़े जो है इस तरह से कटिंग कर लेंगे तकरीबन छः से सात इतने में कट जाएंगे सात पेड़े मैंने बनाए हैं तो इस तरह से हमने हाथों से चिपटा कर लेना है इसे सारे इस तरह से करके एक साइड पर रखेंगे अब एक एक बेलते जाएंगे बिल्कुल पतला बेलना है बिल्कुल पतला जैसे कागज़ की तरह पतला आप लोगों ने बेलना है इस तरह से एक एक बेल के हमने साइड पे रखते जाना है सारे जब बेल लेने हैं ना फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है सारे पराठे मैंने इस तरह से बेल लिए रोटियां बेल के एक साइड पे मैंने रख दी है अब एक रोटी उठानी है हमने इस तरह से काउंटर पे रखेंगे उसके ऊपर हमने जो सेलरी बनाई थी ना कॉर्नफ्लोर की और ऑयल की वो हमने इसके ऊपर लगाते जाना है ब्रश के साथ और दूसरा हमने जो रोटी उठानी है वो इसके ऊपर जो है वो इस तरह से चिपकाते जाना है बड़ी आराम से चिपक जाती है कोई इश्यू नहीं है जो बिगनर बच्चियाँ हैं वो भी बना लेंगी बेहद आसान है बनाना तो इस तरह से सारे जो है मैंने लई लगा लगा के मैंने ऊपर चिपका लिए हैं तो इस तरह से बेलन से हल्का सा हमने जो है इसे फैला लेना है और उसके बाद हमने इसे रोल कर लेना है रोल करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है रोल आप लोगों ने जरा ना एहतियात से करना है ताकि अंदर एयर ना बने तकरीबन जो है इसके साथ पेड़े बन जाएंगे छः से सात आराम से बन जाएंगे तो हल्का से मैंने बेलन के साथ बेल लिया है अब इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे स्टफिंग आप लोग अपनी मर्जी से रख सकते हैं पहले किनारों पे हमने हल्का सा जो है पानी लगा लेना है ताकि जब हम पराठे जो है वो फोल्ड करें ऊपर से तो वो खुले ना लिये उनकी एक खाने का चम्मच स्टफिंग रखेंगे और इस तरह से ऊपर से हमने दबा दबा के ये सबसे आसान तरीका है इस तरह से पहले आप लोग ने समोसे की शेप में इसे दबा लेना है उसके बाद इस तरह से चुना डालने हैं और इसे इकट्ठा कर लेना है इससे आप लोगों के पराठे कभी भी खुलेंगे नहीं जो बिगिनर बच्चियाँ हैं ना वो भी आराम से इस तरह से बना लेंगी आप बेलन चलाने की जरूरत नहीं है बेलन चलाएंगे फट भी सकते हैं पराठे क्योंकि इसकी लेयर्स जो है वो काफी ज्यादा है तो बेलन के साथ फर सकती हैं आप एक तवा ले लें काफ़ी बड़ा ले लें पैन ले लें ले, कुछ भी ले लें वैसे इनको डीप फ्राई करके ही खाया जाता है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करूँगी मैंने इसे शैलो फ्राई किया है थोड़ा मैंने ऑयल का यूज़ किया है चाहे तो आप लोग घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस तरह से अलते पलते हमने दोनों साइडों से जो है वो गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है सेंटर से मुझे लग रहा था कलर नहीं आया लेकिन स्पैचुला से आप दबाएंगे ना इस तरह से ज़बरदस्त कलर आ जाएगा कोई जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा ऑयल यूज करने की वैसे भी आजकल बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो कम से कम ऑयल जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए डीप फ्राई करेंगे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे ऑयल बहुत ज़्यादा सोक कर लेंगे तो शैलो फ्राई कीजिएगा तो इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया है अल्टे पलटे दोनों साइडों से कलर चेक करें लुक चेक करें बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बड़ी ही कमाल की इसकी आई है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे बना के आप लोगों ने मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है तो वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक ही गए हैं ना तो लाइक कर देंगे क्योंकि लाइक करना आप लोग हमेशा ही भूल जाते हो नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा चेक करें ज़रा वाह ज़बरदस्त देखने में लग रहे हैं यमी लग रहे हैं खाने में बनाएंगे ना इंशाल्लाह ताला याद रखेंगे और दुआ क्या करें अपने लिए अपने से रिलेटेड लोगों के लिए कुल उमते मुसलमान के लिए कुल कायनात के लिए और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ तब तक के लिए देखते रहेगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट मुझे तो आम याद रखिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्ला हाफिज